जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज इस कार्यकर्ता बैठक में आए हुए सभी मेरे सेक्टर के बूथ के जून के विधानसभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला पंचायत सदस्य, माननीय प्रधान जी लोग, सभी साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। साथियों, उससे पहले सारी बातें लगभग हमारे साथियों ने आपके बीच में रखी है। चुनाव ये मेन एक मुद्दे पर है, उसके साथ तो बहुत सारे मुद्दे जुड़ते हैं, लेकिन जो एक मुद्दा है हमारे सामने, लोकतंत्र बचाने का और संविधान बचाने का। वर्तमान में जो सरकार है उसका इरादा गाहे बगाहे हमारे सामने, उसके कुछ मंत्री लोग, कुछ सांसद लोग, कुछ प्रत्याशी जो हैं इस समय, वो बोल देते हैं कि हमें 400 इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। ये हमारे लिए अच्छा है कि वो अपने मनसा को हमारे सामने उजागर करते हैं, इससे हमें सावधान होने की जरूरत है। ये संविधान ऐसा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा और 26 नवंबर 1949 को लिख करके उन्होंने संविधान सभा के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनको दिया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। वो भारतीय संविधान है जो हमें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है। वो भारतीय संविधान है जिसमें हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका देता है। ये संविधान है जो हमें हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देता है। लेकिन कुछ लोग जिनको ये बात खटक रही है कि इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए में कहते हैं, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, सभी समाज के गरीब और कमजोर लोग हैं, हमारी बहनें हैं जो पीडीए का भाग है, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब और कमजोर लोग, हमारी माताओं और बहनें को इस देश में इज्जत सम्मान से जीने का मौका मिले। इसलिए ये चुनाव संविधान को बचाने का दिन। संविधान अगर है तो हमारा वजूद है, और अगर संविधान नहीं है तो हमारा वजूद भी इस देश में नहीं बचेगा। चुनाव इस एक मुद्दे पर है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, जिसको एनडीए कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन है, जो भारतीय संविधान को बचाने के लिए कहती है, उसको कायम रखने के लिए कहती है। इसलिए इस दो एक विचारधारा के बीच में चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को टिकाए रखना चाहते हैं। ये लोकसभा का चुनाव 24 का इसी एक मुद्दे पर, अगर एक मुद्दा अगर हम तलाशें तो इसी एक मुद्दे पर चुनाव। और वह सारी बातें मुझसे पहले हमारे साथियों ने रखी है, मैं तो अपने साथियों को जो हमारे बूथ के इंचार्ज हैं, जो हमारे सेक्टर के इंचार्ज हैं, जो जोन के इंचार्ज हैं, जो विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, मैं तो आपसे अपील करूंगा कि ये चुनाव आपके बल पर ही जीता जा सकता है, ये लड़ाई आपके बल पर ही लड़ी जा सकती है। कोई भी संगठन में उसके पदाधिकारी ही उसकी जान होते हैं, उसके हाथ पैर होते हैं। अगर आपने ये तय कर लिया कि हमें अपना बूथ जिताना है तो पूरी जौनपुर लोकसभा हम जीत जाते हैं। अगर हर बूथ का, हर सेक्टर का, हर जोन के पदाधिकारी ने ये तय कर लिया कि हमें अपना अपना एरिया जिता करके देना है तो पूरा जौनपुर नहीं, पूरा प्रदेश, हम पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश हम जीत करके जा सकते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखना है। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि मैं आपके बीच में नया हूं, लेकिन मैं इतना जरूर भरोसा दिलाता हूं कि जब मैं एक दो बार आपसे मिलूंगा तो आपको ये कभी नजर नहीं आएगा कि मैं आपके बीच में नया हूं। मैं एक कार्यकर्ता रहा हूं और आज भी एक मैं कार्यकर्ता हूं। मैं अपने बूथ के पदाधिकारी की मेहनत के बारे में जानता हूं, किन परिस्थितियों में वो काम करता है मैं ये भी जानता हूं। मैं सेक्टर, जोन,
विधानसभा के जितने पदाधिकारी हैं सबके काम करने के तरीके और पीड़ा और दर्द को जानता हूं। हम में से कुछ लोग हैं बूथ और सेक्टर में काम करने वाले जो हम सक्षम होते हैं, अपने बल पर चल लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग वो हैं जो हम दिन रात मेहनत करते हैं और खाली इस विश्वास और आशा के साथ कि हमारा संगठन जीत के जाए, हमारी पार्टी जीत के जाए, हमारा नेता जीत के जाए। बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम इतना खुशी जाहिर कर लेते हैं कि हमने मेहनत किया और हमारी पार्टी जीत के गई, हमारा नेता जीत करके गया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कभी आप मुझे अपने से दूर नहीं पाएंगे, चाहे हमारे बूथ का साथी हो, चाहे हमारे सेक्टर और जोन का हो, चाहे विधानसभा के या जिले के पदाधिकारी हैं। जब भी आप मुझे याद करेंगे हमेशा अपने करीब पाएंगे। कभी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपके बीच में कोई नया आदमी आया है या वो आदमी आया है जो पार्टी के बारे में नहीं जानता, संगठन के बारे में नहीं जानता, कार्यकर्ताओं के दुख और तकलीफ को नहीं जानता। मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं कार्यकर्ताओं के दुख तकलीफ और पीड़ा को जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि अगर हमारा कोई प्रधान बेचारा जीत के गया है और इस परिस्थितियों में वो समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है, तो मैं ये भी आभास करता हूं कि कितना उसे संघर्ष करना पड़ता है, कितना सत्ता पक्ष के लोग उसके ऊपर दबाव बनाते होंगे, कितना उन्हें परेशान करने का काम करते होंगे, इस बात को हम महसूस करते हैं। हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो बेचारे आपके यहाँ कैसा चुनाव रहा इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े लोग होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा काम दिया जाता है और जो विपक्ष से जुड़े होते हैं उनको थोड़ा कम काम दिया जाता है। इन सारी चीजों का हमें आभास है। और मुझे क्यों, आपके पास सम्मानित विधायक जी हैं, लक्की जी हैं, पंकज जी हैं, ललई जी हैं, ललन जी हैं, अरशद भाई हैं, हमारे राजबहादुर जी तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे ही हैं, सबको इस बात का आभास। हम इन सारी चीजों को महसूस करते हैं, तो अगर इन चीजों से हमें निजात पाना है और हम चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ सम्मान हमें वापस आए, हम देश की सत्ता में पहुंचे और 27 में हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, उसके नेतृत्व में सरकार बनाए, तो इस अभी से हमें तय करना पड़ेगा कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसको जिता करके हम लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजें। आज आप लोगों ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं जब पहले दिन आपके बीच में आया था तो मैंने वो वाकया, वो किस्सा मैंने सुनाया था कि जब संविधान बचाने की चर्चा हुई तो हम लोग अपने साथियों के साथ हम आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिले और हम लोगों ने अपील की उनसे कि हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं, हमारा पूरा समर्थन, और हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। इतना कह करके हम आ गए और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको पूर्वांचल की जौनपुर सीट से आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। उन्होंने मुझे यह आदेश दिया, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और बिना किसी प्रतिक्रिया के मैं उनके आदेश को मान करके मैं आज आपके बीच में आया। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग इस लड़ाई में कामयाब होंगे,